नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसको वेतन कैसे मिलता है। सबसे पहले तो इसमें यह बात होती है कि जो सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देती है वो अपनी जनता से पहले टैक्स वसूलती है। उस टैक्स को एक निश्चित फंड कर्मचारियों के वेतन के लिए दिया जाता है। ये जो फंड है ये हर साल ही मंजूर होता है। नंबर दो पे किसी भी कर्मचारी का एक निश्चित पैकेज होता है कि उसका वेतन का स्टार्टिंग पैकेज ये है और उसका लास्ट पैकेज ये है और उसके हिसाब से उसको वेतन दिया जाता है। और इसमें बहुत सारे विभाग दिया जाते हैं सरकार के, जिसमें अलग विभागों का अलग अलग बजट होता है, उनके अपने कर्मचारी होते हैं, तो हर एक विभाग का एक बजट तैयार किया जाता है कि इस विभाग का इतना बजट है, इसमें इतने कर्मचारियों को इतना वेतन देना है। इस तरह करके सबका एक कुल बजट बनाया जाता है कि जो कुल कर्मचारी है सरकार के उनका साल का कुल बजट ये हो गया। इस तरह से एक निश्चित तारीख पे सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन दे देती है। धन्यवाद।